तो दोस्तों आप लोग एक सवाल बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं कि फोटो एडिटिंग मैक मिनी में कैसी होती है, क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है फ्री में जो कि मैक मिनी में फोटो एडिटिंग कर सकता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं वही दिखाने वाला हूं, वो भी लाइव करके आप फ्री में फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी इसी मैक मिनी में। तो चलिए आपको स्क्रीन पर ले जाते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं हूं दीपेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक में छुआको चैनल, और इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आया है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज बिल्कुल मुफ्त में दिखाने वाला हूँ, वो भी आपको एक गंदी सी फोटो, डल सी फोटो को बहुत ही ब्राइट और शानदार तरीके से, वो भी बिना कोई डेटा लॉस किए हुए। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे मैक मिनी के स्क्रीन पर और आपको करके दिखाता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आ गए हैं मैक मिनी के स्क्रीन पर। अब कोई फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको फोटो में ऐड कर लेते हैं। तो यहां से फाइल को सर्च किया जाए और फोटोज में जाने के बाद दोस्तों यहां मैं सर्च कर लिया हूं और यहां से कुछ फाइल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं जिसको मैं एडिट करने वाला हूं। दोस्तों ये जो सारी फोटोज देख रहे हैं ये मैं बिहार म्यूजियम में गया था पटना, जिस पर ब्लॉग है उस वीडियोज को जाकर के देखिएगा, आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो उसी फोल्डर में से इन सारी फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट करने के बाद यहां से ऐड टू फोटोज में करने के बाद ये सारे फाइल्स फोटो में आ गए हैं। अब फोटोज वाले एप्लीकेशन में जाते हैं सीधे, अब चलना है फोटोज वाले एप्लीकेशन में और इसको ओपन करने के बाद यहां से वो सारे जिसको सेलेक्ट किया वो आ गई है तस्वीर। तो अब सेलेक्ट किया जाए किसको एडिट किया जाए। तो ये जो देख रहे हैं खरगोश है, इसको मैं करता हूं अभी। तो यहां से ऊपर जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहां से ऑटो है, ऑटो पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको देखिए यहां से जो ये पेन के साथ साथ डॉट डॉट दिख रहा है तो ये ऑटोमेटिकली आपको इतना करके देगा एडिट। लेकिन आपको इतना करना नहीं है, आपको तो अपने से करना है। तो यहाँ से फुल्ली एडिट पर जाएंगे और यहाँ से आपको शानदार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको फोटोशॉप वाली फीलिंग आएगी। तो यहाँ से ये लाइट का है, आप लाइट अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। तो चलिए इसको इतना लाइट सेट कर दिया। उसके बाद दोस्तों कलर का ऑप्शन है, कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से भी आप अपने इच्छा अनुसार कलर को सेट कर सकते हैं, कितना हरा रखना है, कितना क्या रखना है। तो ये करने के बाद एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा व्हाइट बैलेंस का। तो यहाँ से आने के बाद आपको टेम्परेचर और टिंट में जाना है, उसके बाद टेम्परेचर में जाने के बाद इसको बढ़ा घटा सकते हैं, और अगर आप इसको ब्लूइश रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और अगर वार्म करना चाहते हैं तो वार्म कर सकते हैं, कूल वार्म दोनों का ही ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद टिंट भी आप कर सकते हैं यहां से इसके जो देख रहे हैं बढ़ा घटा करके। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको जो फोटोशॉप में मिलता है कर्व का ऑप्शन, कर्व में चला जाए तो कर्व में आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह को आप सीधे बढ़ा सकते हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर देते हैं, तो चलिए इसको इतना ब्राइटनेस रखा जाए कि ये आंखों को कूल फील दे। तो इतना करने के बाद दोस्तों नीचे आने के बाद आपको यहाँ से लेवल्स ऑप्शन दिखने का, इसको छोड़ देना है। उसके बाद सीधे आपको यहाँ से सिलेक्टिव कलर्स में आना है, सिलेक्टिव में ह्यू है, सेचुरेशन है, ल्यूमिनेंस है, इन सारी चीज़ों को आप अपने से बढ़ा घटा करके देख सकते हैं कौन कितना रखना है। तो ये वाली जो है ज़बरदस्त है, इससे आप अपने वीडियोज एडिटिंग में भी कर सकते हैं। इस सेक्शन को पूरी तरह से एडिट करने के बाद दोस्तों अब चला जाए नीचे वाले शार्पन में। शार्पन में जाने के बाद यहाँ से इंटेंसिटी, एजेस, ये सब फिक्स करने के बाद डन कर देते हैं, और पहले वाली पिक देखिए और अब वाली देखिए, दोनों में कितना अंतर है। तो दोस्तों क्या कमाल का यार, इसकी क्वालिटी भी लॉस नहीं होती है, 11.8 MB का है। अब दूसरे पिक में चलते हैं, इसको बहुत जल्दी से इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मैं फिर से इसी चीज़ को एडिट करके दिखाता हूँ कि इस तरह की तस्वीर को आप किस लेवल तक का बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना है। मैक मिनी आपको इनबिल्ट ऐसा फोटो एडिटर दिया है जिससे आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं वो सारी सेटिंग जो अभी मैं बताया पूर्व में वो सारा कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सारी सेटिंग में कर दिया पूर्व की भांति। अब इसको डन किया जाए और उसके बाद देखिए इसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है। डन करने के बाद आप फाइनली देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी है। अब दोस्तों एक चीज़ है कि आप इसको आप क्या कर सकते हैं कि एडिट को कॉपी करके आप बाकी के जितने भी फोटोज है उसमें पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ से देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से पेस्ट एडिट में करने के बाद पेस्ट कर दीजिएगा तो वो एडिट इसमें पेस्ट हो जाएगी। अगर पसंद नहीं है तो इसको पूर्व की बात ही रिवर्ट टू ओरिजिनल भी कर सकते हैं यहां से, तो आप ओरिजिनल जितना जैसे था वैसा कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसके द्वारा वीडियो की कलर ग्रेडिंग भी आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं वीडियो लेकर के जरूर आ जाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पर आपको मैक मिनी से रिलेटेड तमाम बहुत सारे वीडियोज है, प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर के चेकआउट कीजिए, बहुत सारे आपको तमाम आपके अनुसार वीडियोज मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।